हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ये रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। हम लोग पहला एक्सरसाइज इसका, प्रीवियस क्लास हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया था, कंसेप्ट पढ़ लिया था और दो एग्जांपल भी किया था जिसमें। तो आज के क्लास में एक्सरसाइज 12.1 फिनिश करूँगा, ओके। जिसका पहला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। क्वेश्चन समझ में आया? दो सर्कल गिवन है बच्चों, 19 सेंटीमीटर का और 9 सेंटीमीटर का। अब एक दूसरा सर्कल है जो दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, ओके। मतलब एक ऐसे का डायग्राम बना चाहूँ, एक बड़ा सर्कल है, मान लो ये दो सर्कल गिवन है, एक 19 मान लो एक 19 सेंटीमीटर का है, ओके, ये 19 सेंटीमीटर का है, दूसरा एक क्या बच्चों, एक 9 सेंटीमीटर का है, कितना 9 सेंटीमीटर का, ये 9 है आपका। अब एक दूसरा सर्कल है जो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम है, उसका सर्कमफ्रेंस, तो उसका रेडियस फाइंड करना है। एक दूसरा सर्कल बच्चों ये मान लो आप, क्लियर, जो इसका रेडियस पूछ रहा है, इसका आर मान लो आप, इसका मान लो ओ, इसका मान लो इसको दूसरा ले लो आप, इसको मान लो पी ले लो, इसको क्यू दे दो ना, चलो सिंपल सा, ठीक। दो सर्कल, ये दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस सम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ये तो डायग्राम हो गया। स्टेटमेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस आज इज 19 सेंटीमीटर, ठीक, एंड फिर दूसरा कैलकुलेशन करेंगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, ओके, लिख दो ऐसा। Circumference of circle whose radius is equal to कितना है 19 सेंटीमीटर is equal to क्या होता है बच्चों, पाई आर, 2 पाई आर होता है circumference formula, 2 पाई आर है, आर कितना है 19 कितना आया 19 टू जा 38 पाई क्या सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस एक लेंथ ही होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो इसका यूनिट क्या है सेंटीमीटर। दूसरा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल circumference of circle whose radius क्या बच्चों, रेडियस कितना है इज 9 सेंटीमीटर is equal to कितना 2 पाई इंटू 9 कितना है 18 पाई सेंटीमीटर, क्लियर। थर्ड स्टेप में ये इस लाइन बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, ओके। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो मान लो जो न्यू सर्कल है उसका रेडियस आर, ठीक, लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज कैपिटल आर, लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल कितना बी कैपिटल आर, क्लियर। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, और किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, इनका सम कितना है देखो 38 पाई
और प्लस कितना बच्चों 18 पाई, क्लियर। अब पाई सब में कॉमन है, पाई पाई कैंसिल, 2 पाई सब में कॉमन बच्चों, 2 पाई से डिवाइड कर दो, 2 पाई से डिवाइड करो यहाँ पे जब, तो आर इज इक्वल टू मिला 2 पाई से डिवाइड किया इतना, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 38 कट किया तो कितना है 19 है, प्लस सिमिलरली 18 पाई को पाई से पाई कटा और 2 9 जा 9 है, इसको प्लस किया कितना है बच्चों, तो यहाँ पे आया आपका 28 सेंटीमीटर। जो दूसरा तुम्हारा सर्कल है रेडियस क्या आया 28 सेंटीमीटर। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर दो सर्कल है, अगर मान आर वन आर टू दो रेडियस दो सर्कल है, अगर उनके सर्कमफ्रेंस सम का तीसरा सर्कल है तो जो उनका रेडियस होता है वो उन दोनों रेडियस के सम के इक्वल होगा। ओके, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू बच्चों क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द टू सर्कल। तो यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में बच्चों उसमें सर्कमफ्रेंस जो था न्यू सर्कल का, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस सम था, लेकिन यहाँ पे जो न्यू सर्कल है उसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, ठीक। तो जो सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस 8 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक। सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, डायग्राम बनाने जरूरत नहीं है, डायग्राम एग्जाम में होता है, मैं समझाने के लिए बताता था आपको। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ या लेट मान लो लेट द एरिया ओ क्या पूछा है, हाँ लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल बी कितना कैपिटल आर। ओके, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर मतलब 18 सेंटीमीटर विथ या हुज हैविंग रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर विथ रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर लिख दो हुज रेडियस सबसे सिंपल है हुज रेडियस कितना 8 सेंटीमीटर प्लस 8 है केवल प्लस एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर क्लियर। नाउ एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या हो जाओ पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इसका पाई इसका आर कितना 8 सेंटीमीटर तो आर 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस और इसका एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस कितना 6 सेंटीमीटर इसका कितना होगा पाई 6 का स्क्वायर। यहाँ दोनों पाई कॉमन यहाँ पाई है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया पाई कॉमन लिया तो 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई पाई से पाई कैंसिल आउट तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 एंड 6 का स्क्वायर बच्चों 36 प्लस किया कितना आया 100 तो आर कितना मिला बच्चों अंडर रूट 100। अब यहाँ प्लस माइनस आएगा लेकिन लेंथ जो होता है नेगेटिव में लेते हैं बच्चों पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव लिया इसीलिए यहाँ 10 सेंटीमीटर आया तो सिंपल सा यहाँ क्या मिला जब एरिया दो सर्कल का सेम होता है वो दूती से सर्कल के एरिया इक्वल होता है उस केस में जो रेडियस निकालते हैं क्या होता है अंडर रूट मतलब रेडियस का स्क्वायर ऑफ सर्कल 1 एंड रेडियस का स्क्वायर ऑफ सर्कल 2 मतलब दोनों सर्कल के रेडियस के स्क्वायर का सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। सर्कमफ्रेंस केस में सीधे रेडियस सम हो जाता है और
एरिया केस में बच्चों क्या होता है कि उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। क्लियर, ये रहा क्वेश्चन नंबर टू, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं बच्चों, वन और टू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, इन द फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी, आर्चरी आर्चरी क्या हो, तीर मारने वाले होता है, टारगेट मार्क्ड विथ इट्स फाइव स्कोरिंग रीजन फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक एंड वाइट। ठीक, द डायमीटर ऑफ द रीजन ऑफ रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो गोल्ड स्कोर है बच्चों, इसकी डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना होगा, 21/2, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ ईच रीजन। ओके, इनकी जो विड्थ है बच्चों कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। सबकी सेम है, सबकी सेम है, सबकी सेम है। एक बात बताओ, अगर ये गोल्ड का सेंटर मान लो, ये 10.5 होगा, तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी 10.5 प्लस होगा, तो ये कितना होगा, ये भी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, फिर ये कितना होगा, इसका रेडियस ब्लैक वाले पार्ट का, इसका रेडियस कितना, देखो 21/2 मतलब 10.5 होता है, 21/2 करोगे रेडियस कितना का, 10.5 ही आएगा। ओके, या हम 10.5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 21/2। ओके, नाउ इसका रेडियस 21/2, फिर इसका 2 × 21/2, डबल हो गया ना, 10.5 प्लस 10.5 कितना, 21 आया। फिर ब्लू वाले रेडियस कितना होगा, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 कितना हुआ, 31.5। सिमिलरली जब इसका करोगे बच्चों 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 या 21/2, 21/2, 21/2, 21/2। सिमिलरली जब आप इसका वाइड करोगे तो 5 × 21/2। ठीक, तो 1/1 करते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन पहले कहते हैं, एरिया ऑफ कौन सा बच्चों, गोल्ड रीजन। अब गोल्ड रीजन रेडियस कितना है बच्चों, 21/2, तो कितना हो जाएगा, π × 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर कर दो इसका। क्लियर, अब क्वेश्चन में एक्सरसाइज में पहले बोल दिया है, हर क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू कर लेना है, 21/2 लिख लो यहाँ पे, 21/7 इंटू यहाँ पे 21 का स्क्वायर मतलब 21 × 21 डिवाइड बाई कितना, 2 × 2, यहाँ पे 2 होगा, 22 होगा। ओके, 7 × 3 = 21, 2 से कट करो इसको 11, अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 11 कैरी 1, 11 × 2 = 22, 22 + 1 = 23, इंटू 3 डिवाइड बाई 2, एक बार अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 डिवाइड बाई 2। क्लियर, नाउ 2 से कैंसिल आउट करो इसे, कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 1 × 3 = 2, 6 = 12 एंड 2 × 5 = क्या आया, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, किसका, गोल्ड का, गोल्ड रीजन एरिया आ गया आपका। क्लियर, अब नाउ अब क्या लिखेंगे, रेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ रेड रीजन। तो ये बताओ, यहाँ पर हमें इस पार्ट के लिए निकालना है, ये रेड रीजन का, तो इसमें क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ इस सर्कल रेडियस एरिया निकालेंगे, मतलब इसका एरिया, एरिया क्या कहते हैं, इस सर्कल का, देखो यहाँ सर्कल ड्रा कर रहा हूँ ऐसा, यहाँ दो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा बच्चों, ये गोल्ड पार्ट है, ये रेड पार्ट है, तो उसने रेड पार्ट का एरिया पूछा आपसे, ये तो दो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों,
कि पाई इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, ओके, तो इसका रेडियस कितना है 21 डिवाइड बाय 2, तो इसका रेडियस कितना होगा 21 डिवाइड बाय 2 प्लस 21 डिवाइड बाय 2 कितना 21, इसका 21 आ गया। तो एरिया ऑफ, लिखो रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन, क्लियर। तो एरिया ऑफ क्या कहेंगे इस सर्कल का जिसके रेडियस 21 है, क्या आएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, यानी पाई इंटू 21 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। एक बार बताओ इसका एरिया हमें पता है यहाँ पे कैलकुलेट किए गोल्ड वाले में, ठीक, तो इसका निकालते हैं अब। पाई की वैल्यू कितना 22 डिवाइड बाय 7 और 21 इंटू 21 माइनस इसका एरिया कितना है 146.5, क्लियर। तो कितना आया यहाँ से 7 3 21, 22 3 कितना होता है 66 इंटू 21 माइनस 146.5। फर्दर सोल्यूशन करने पे 21 6 कितना होता है 126, कैरी 12, 21 6 फिर अगेन 126, 126 प्लस 12 कितना होगा 138 होता है, ठीक, माइनस 146.5। माइनस करने पे यहाँ पे देखो डेसिमल लगा के जीरो लगाओ, 10 में से 5 माइनस 5, यहाँ पे आपका 5, 5 में 6 नहीं माइनस होगा 15, 15 में 6 का 9, 7 में से 4 3 एंड 3 में 7 माइनस 2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये रहा रेड रीजन का। नेक्स्ट आता है ब्लू रीजन का, एरिया ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, इक्वल टू, देखो ब्लू रीजन का रेडियस कितना होगा ब्लू रीजन तक जाने का रेडियस, देखो ये आपका 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, कितना 31.5, या इसको बोलते तो ये 21 बाई 2, कितनी बार 3 बाई टर्म, यानी 21 3 कितना था 63 बाई 2, तो पाई इंटू 63 अपान 2 का होल स्क्वायर कर दो आप, माइनस ऑफ, माइनस ऑफ रेड रीजन तक जो है ये पार्ट, जैसे यहाँ था हमें इस रीजन का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो उस इसमें से इस पूरे एरिया को माइनस करो तो ये मिल जाएगा, तो ये इसका रेडियस कितना है तब 21, क्लियर। तो यहाँ आएगा पाई इंटू 21 का स्क्वायर, क्लियर। तो इन दोनों कॉमन निकाल लो बच्चों, क्या कॉमन है यहाँ पे पाई इक्वल 21 बाई 7 और कॉमन क्या है 21 स्क्वायर, दोनों कॉमन है, तो यहाँ 21 का स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचा यहाँ पे 21 3 63 होता है, तो यहाँ बचा 3 का स्क्वायर बचेगा, तो 3 3 9 4 बचेगा अंदर और माइनस 1, क्लियर, ये बचा यहाँ पे। फर्दर सॉल्यूशन करने पे यहाँ 21 डिवाइड बाई 7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू यहाँ पे देखो 4 1 4 9 माइनस 4 5 5 बाई 4 यहाँ मिलेगा आपका 5 बाई 4, क्लियर। आगे करते हैं हम, यहाँ पे 7 3 22 करना, 7 3 21 और यहाँ पे 2 2 4 एंड 11 मिला आपका। इसको आगे सॉल्यूशन करने पे यहाँ पे करते हैं, यहाँ मिला क्या 11 3 33, या 11 का पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 21 में 11 1 11, 11 2 22, 22 2 + 1 23, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई इसका आ गया, अब यहाँ पे 5 3 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 15 3
15 कैरी कितना 1, 15 थ्री जै 45, 45 प्लस 1 46, कैरी 4, 15 टू जै 30, 30 प्लस 4 34 डिवाइड बाय 2, इसे कैंसिल ऐड करो तो इसका सॉल्व करने कितना है, 2 1 जै 2, 2 7 जै 14, 2 3 जै 6, 2 2 जै 4 एंड 2 5 जै कितना है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लू आ गया, अब बचा कौन, ब्लैक रीजन एंड व्हाइट रीजन, एरिया ब्लैक रीजन, नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वही सेम एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट रेडियस कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 21 बाई 2 था, फिर यहाँ पे 221 बाई 2, यहाँ पे 321 बाई 2, यहाँ पे 421 बाई 2, तो कितना है 42 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 21 बाई 2 अपॉन 2 कितना 42 का स्क्वायर, माइनस नेक्स्ट यहाँ पे पाई इंटू यहाँ पे क्या 63 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्लियर। मतलब हर बार में नेक्स्ट वाला इसको माइनस करते हैं, जैसे इस यहाँ पर ये वाला यहाँ माइनस किया, अब ये वाला यहाँ माइनस कर दिया अपने, कॉमन क्या है पाई, यानी 22.7 कॉमन है, कॉमन है और क्या कॉमन है, देखो 21 यहाँ भी मिलेगा 21 यहाँ भी मिलेगा, क्लियर। तो 21 का स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे अंदर क्या मिला 21, ये देखो 21 टू जा कितना 42 होता है, यहाँ 2 का स्क्वायर मिलेगा तो 4 मिला अंदर, माइनस यहाँ पे 21 थ्री जा 3 बाई 2 मिलेगा, यानी 9 बाई 4 मिला यहाँ पे, क्लियर। थोड़ा करना आ जाएगा आपसे, 22/7 इंटू यहाँ पे 21 इंटू 21 यहाँ क्या मिला 4 4 16 16 माइनस 9 कितना 7 अपॉन 4, तो यहाँ पे 7 7 कट गया, और यहाँ से 2 से 11 बच्चों यहाँ मिला 21 इंटू 21 कहता होता है 4 4 1 होता है इंटू 11 डिवाइड बाई 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व करो आगे, 11 वन जा 11, 11 फोर जा 44 प्लस 5 1 45 कैरी 4, 11 फोर जा 44, 44 प्लस 4 48 डिवाइड बाय 2, इसे कैंसिल ऐड करो, करो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ 2 5 जा कितना है 2425.5 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नाउ लास्ट है एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन क्या बच्चों, अब देखो अब ये रेडियस लेंगे वाला, यहां से यहां तक का पूरा 21 बाई 2, 21 बाई 2, 21 बाई 2, 21 बाई 2, 21 बाई 2 कितनी बार 1 2 3 4 5, तो पाई इंटू यहाँ लिख सकता हूँ 5 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ ये वाला पार्ट, हर बार बोलता हूँ ये वाला पार्ट माइनस कर दो, माइनस ऑफ पाई इंटू यहाँ लिख दो 4 इंटू 21 डिवाइड बाई 2 4 टाइम, हाँ ब्लैक तक 4 टाइम था का होल स्क्वायर, ये थोड़ा इजी हो जाएगा करने वैसे पे, यहाँ क्या मिला 22 डिवाइड बाई 7 इंटू यहाँ से 21 बाई 2 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 21 बाई 2 का होल स्क्वायर क्या बाहर आ गया, अंदर क्या मिला बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ क्या मिला 22 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ मिला 21 डिवाइड बाई 2, यहाँ 21 डिवाइड बाई 2, यहाँ मिला 5 5 25, 4 4 16, 25 माइनस 16 9 है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट, यहाँ पे आया 11, यहाँ से 7 से 7 3 जा 21, अब इसको मल्टीप्लाई करना है बस, तो चलो करते हैं, पहले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 11 into 21 यहाँ किया था मैंने, 11 into 21 यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे 231 आया था, कितना है 231 into, फिर अभी 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी 9 से नहीं करेंगे। देखो एक होता है आप रफ में काम करो, मैं रफ में एक भी काम मल्टी नहीं कर रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन खुद से कर रहा हूँ, मतलब एक ही जगह पे। आप ऐसे पार्ट में इनको ब्रेक करो कि कैलकुलेशन क्या आ जाए सारा, मतलब रफ पार्ट करना ही नहीं पड़े, मुझे नहीं करना पड़ा, आप भी नहीं करोगे ऐसे करोगे तो मेरे हिसाब से। तो यहाँ से पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 18 plus 2 20 into 3 divided by 2। अब 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 plus 2 23, यहाँ 2 3 2 जा 6। अब 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 6 2 8 जा 16, 0.5 cm². तो वाइट रीजन कितना है बच्चों, 3118.5 cm². ओके, तो यहाँ लिख देना एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल टू 3118.5 cm². ओके नोट कर लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था बच्चों, 3 1 जा 3 था, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यहाँ पे आ रहा था बच्चों, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, और फिर इसको डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 3 जा 6 आता है आपका, यहाँ 3 46 आ रहा था, और यहाँ मैं गलती कर दिया, यहाँ भी 3 46 आएगा। ओके अब 3 46 से माइनस करोगे, यहाँ पे 3 46 माइनस करो, फिर क्या आता है आंसर देखिए, देखो यहाँ पे मेरे सब 0 आ जाएगा बस, और बाकी सब सही है, बाकी सही है। ये 3 करेक्शन करिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, और यहाँ पे ओके थोड़ा मल्टीप्लिकेशन गलती हो गई थी, ध्यान नहीं आया, आप इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 cm ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। ठीक स्पीड ऑफ कार कितना है, तो रेडियस ऑफ व्हील कितना होगा, पहले रेडियस ऑफ व्हील कितना होगा, ईच व्हील लिख दो आप चाहे तो, ईच व्हील कितना है 80 divided by 2, मतलब 40 cm। एक बार बताओ आपको, मैंने जब पहले लेक्चर पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब रेवोल्यूशन की बात आती है तो एक चक्कर लगाने में कोई भी मतलब सर्कल शेप का कोई बॉडी है अगर एक चक्कर कंप्लीट करता है तो किसके इक्वल लेंथ किसके इक्वल होता है, उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है। ओके तो अगर नंबर ऑफ कितना रिवोल्यूशन होगा निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस लगाएंगे। ठीक मैं लिखा दूँ फार्मूला भी, तो एंड देखो रेडियस कितना हुआ इतना, स्पीड ऑफ कार कितना है, स्पीड ऑफ कार देखो ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक तो हमारा कोशिश है कि पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर उसके बाद डिस्टेंस को ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो 60 कितना है, 66 किलोमीटर क्या है पर आवर, टाइम कितने किस में गिवन मिनट में, तो किलोमीटर को हम चेंज करें किस में बच्चों, सेंटीमीटर चेंज कर दो, पहले 66 को मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को सेंटीमीटर चेंज करने के लिए कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और डिवाइड बाय किसे आवर को मिनट में कर दो। ठीक तो एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये कट किया आपने 11 आया, कितना है इसको सब में 11 1 जा 11, आगे कितना 0 4 0, क्या लिखेंगे हम इसको सेंटीमीटर पर मिनट। देखो आप और भी तरीके से कर सकते हो कि जैसे इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करके फिर इसको भी सेकंड में चेंज करो फिर सॉल्व करो,
जरूरत नहीं है, आप जैसा यूनिट दिया है वैसे कर लो बस। हमें सेंटीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में निकाल दिया इसको, ठीक, इसको मिनट में है, मिनट में रख दिया, और इसको मैंने उसका मतलब सेंटीमीटर पर मिनट बदल दिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा बस। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना ये, टाइम कितना है 10 मिनट। देखो यहाँ क्या था, सेंटीमीटर पर मिनट, यहाँ मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा, सेंटीमीटर आंसर आएगा कितना है 11 आगे 40, यानी क्या बोलोगे इसको, 50, 11 लाख सेंटीमीटर, बड़ा लंबा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये फार्मूला आपसे लिख लो या समझ लो, नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशन होता है इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, ओके, टोटल डिस्टेंस कितना है 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक, एंड सर्कमफेरेंस क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, 2 पाई वैल्यू 22/7 आर, आर कितना है ये 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो कट गया 0, 0 कट गया, ठीक, और यहाँ से अगर 11 से कट करो, 11 हो जाए 11, यहाँ पे क्या आया 4 0 आ गया, और यहाँ से 11 2 जा कट गया, क्लियर। नाउ 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा, तो 10,000 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 रेसिप्रोकल में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब 16 से डिवाइड हो कट जाएगा, देखो 16 6 जा 96, 40, 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा, अब इसको करो मल्टीप्लाई को, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, इतना रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हुआ 4375, ठीक, यहाँ ले सकते हो, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है 4375। एक और लास्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, क्या बोल रहा है, पेरीमीटर और एरिया आप सर्कल क्या न्यूमेरिकली इक्वल हो तो उसका रेडियस क्या होगा, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, या एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, डन। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस फॉलो क्या होता है 2 पाई आर, ठीक, तो आर स्क्वायर टू कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाई क्या आया पाई, पाई से पाई कटा, एक काम करो 2 आर है, आर किधर लाओ 2 आर, आर स्क्वायर माइनस 2 आर मिला इक्वल टू क्या 0, यहाँ कॉमन क्या है आर, यहाँ क्या मिला आर माइनस 2 इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहाँ से निष्कर्ष में या तो r इक्वल टू 0 होगा या तो r इक्वल टू क्या मिला 2, r इक्वल टू 0 होगा तो कोई सर्कल बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं बनेगा, देखता करो, तो r इक्वल टू 2 पे वेरीफाई कर लो, यहाँ 2 पुट करो पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 पुट करो पाई इंटू 2 इंटू 2 कितना 4, दोनों का सेम आया, तो r इक्वल टू कितना है 2, द रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा 2 सेंटीमीटर, डन। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, थैंक यू।